नमस्कार दोस्तों, हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रामदेव और आप देख रहे हैं इकॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, आज आप किस तरह से अपने बिजनेस को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं ई वॉलेट के साथ काम करके। इसके अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूँ पेटीएम के बारे में। पेटीएम एक बहुत अच्छा ऐप है जिसकी वजह से आपको जो है बिज़नेस में ज़्यादा मुनाफा हो सकेगा। इसके ज़रिए आप जो है अपने कस्टमर का पेमेंट ऑनलाइन रिसीव कर सकते हैं। वो अगर आपको किसी को पेमेंट भेजना है तो उसके अकाउंट में आप भेज भी सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है अगर आप ई केवाईसी अगर कर देते हैं तो इसके अंदर आपको 1 लाख का जो है इसके अंदर का अमाउंट आपको इसके अंदर आप रख सकते हैं। 1 लाख तक आप इसके अंदर ई वॉलेट ई कैश रख सकते हैं। तो चलिए आप सिखाता हूँ आज आपको मैं किस तरह से आपको जो है इसके अंदर लॉग इन करना है। तो सबसे पहले पेटीएम आपको आप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप नहीं जानते कि आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से अपने प्ले स्टोर में जाइए। इसके बाद यहाँ पे टाइप कीजिए PAYTM पेटीएम। ये देखिए मैंने अपने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको सीधा ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन टू सी योर वॉलेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये कुछ परमिशन मांग रहा है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए नीचे, अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। यूज़र नेम अपना आपका डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर ही होगा, पासवर्ड आप जो भी चाहे डाल सकते हैं। अगर आप नए हैं इसके ऊपर तो आप देखिए इस तरह से इसके अंदर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे देख ले लेता हूँ। उसके बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद देखिए अपना ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए क्रिएट यहाँ पे लोग क्लिक करने के बाद आपका जो है पेटीएम अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक पूछा जाएगा कि आपके पास अगर कोई मोबाइल नंबर है तो आप इसके अंदर ऑप्शनल मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपना नाम, अपना एड्रेस इसके अंदर आप सेव कर सकते हैं। अगर कोई पार्सल आप मंगाते हैं तो आपको उसी पते पर वो पार्सल मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप पेटीएम से अपना बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप पेटीएम को सीधा कॉल करके उसके लिए आप क्यूआर कोड भी मंगा सकते हैं। कंपनी तरफ से आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा जिसके साथ आप जो है अपना पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। देखिए मैं इसके अंदर लॉगिन करके आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से मनी रिसीव मनी पे करना है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए अगर आप दोबारा इसके अंदर लॉगिन करते हैं पेटीएम के अंदर तो आपको जो है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP मिलेगा जिसके ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए मेरे को OTP मिल चुका है 2824888। ये देखिए इस तरह से आपको अगर लॉगिन करते हैं आप कहीं पे तो आपको OTP मिलेगा जिसकी वजह से आप जो है सिक्योर महसूस करेंगे, आपका जो है कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी को आपको पासवर्ड भी आपका पता चल जाए तो आपका जो है पेटीएम वॉलेट कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। ये देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जो पेटीएम के लिए कोई लॉक यूज़ करना चाहते हैं तो मैं देख यहाँ पे लिखा देता हूँ इनेबल स्क्रीन लॉगिन। यहाँ पे देखिए मैं अपना लॉगिन डाल लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरा ऐप जो है ओपन हो चुका है। तो ये देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कुछ परमिशन मांग रहा है मेरे से तो मैं परमिशन इसको अलाउ कर देता हूँ। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको जो है इसके अंदर पेमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर अगर आपको ये करना नहीं है तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये
ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। ये देखिए इससे इसके अंदर दिखा रहा है यू कैन ओनली सेंड अप टू 5,000 एट अ टाइम। आप एक बार में सिर्फ 5,000 रुपये भी किसी कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके पेटीएम अकाउंट के अंदर। ये देखिए इसके बाद पे यूजिंग पेटीएम। तो ये देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ मेरा, उसके बाद पेटीएम OTP, उसके बाद यहाँ पे देखिए QR कोड आपको उसके अंदर स्कैन करना होगा, उसके बाद आपको तुरंत उसके अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। इस तरह से आप ये देखिए ये इसका अगर आप ये देखिए इस तरह से आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए इस तरह से इसके अंदर आप पे कर सकते हैं, उसके बाद ऐड मनी। ये देखिए इसके अंदर आप देख लेते हैं कितना अमाउंट आप वन टाइम में कर सकते हैं। ये देखिए ओनली 10,000। मैं आपको इसका फुल वीडियो आप डाल रहा हूँ तो इसको कृपया ध्यान से देखिए और आखिरी तक देखिए। ये देखिए यहाँ से आप डेबिट कार्ड से भी यहाँ पे अपना अमाउंट इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए अपना आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर डालना होगा जो कि फ्रंट में दिया होता है, उसके बाद यहाँ पे मंथ एंड ईयर। उसके बाद यहाँ पे देखिए CVV, आप देखते हैं देख सकते हैं यहाँ पे CVV मतलब क्या है कि आप अपने ATM कार्ड पे बैक साइड पे लिखा होता है 3 अंकों का नंबर जिसको आप CVV बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है सेव दिस कार्ड फॉर फास्टर चेकआउट। ये देखिए यहाँ पे चेक मार्क दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है डेबिट कार्ड इसके अंदर सेव रहे ताकि अगली बार आप सीधा ही इसके अंदर अपना CVV नंबर डाल के सीधा ही कंपनी से अप्लाई कर सकते हैं, आपकी बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप किसी कस्टमर दूसरा का अगर आप ATM कार्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर उसको सेव मत कीजिए, अन्यथा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अदर पेमेंट मोड के अंदर देखिए लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, आप यहाँ इसके अंदर क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर कौन कौन सी बैंक है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए HDFC, ICICI, एक्सिस, पंजाब, कोटक, आंध्रा बैंक। उसके बाद अदर बैंक्स में देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये देखिए सभी इसके अंदर लगभग बहुत सारे बैंक है, आपको मैं एक बार गिन के बताता हूँ किसके कितने बैंक इसके अंदर दिया हुआ है। लगभग आप देख सकते हैं इसके अंदर 50 से भी ज़्यादा बैंकों का यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप इसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मुझे अभी मनी ऐड नहीं करनी, मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। तो आपका इसका आपको देखिए दिखाता हूँ आपको इसका जो स्टेटस है आपको कहाँ किस जगह कहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो आप सीधा यहाँ पे पासबुक में भी देख सकते हैं। ये मेरा सिक्योरिटी किया हुआ है उसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे ऑन होल्ड, ये देखिए यहाँ पे भी नहीं है, ये देखिए इसके अंदर नहीं दिखा रहा। तो आप यहाँ पे देखिए टैप टू सी योर पेटीएम बैलेंस, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो देखिए इस तरह से देखिए आपका जो है अमाउंट जो है रिसीव नहीं हो पाया क्योंकि हमने इसको कैंसिल कर दिया था। तो अब इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपको अमाउंट नहीं ऐड करना तो आप इसको जो है सीधा कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक अपग्रेड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो अपने आधार कार्ड से इसको अपडेट कर सकते हैं। एक KYC करने के बाद आपको जो है 1 लाख तक की इसकी लिमिट बढ़ जाएगी, फ़िलहाल इसकी लिमिट 20,000 रुपये तक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो
तो आप देखिए इसके अंदर पासपोर्ट, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा जॉब कार्ड से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ना कार्ड नंबर डालना होगा, उसके बाद अपना नेम डालिए, उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। ये देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको जो है अपना अपॉइंटमेंट कब बुक करना है। उसके बाद पेटीएम का जो एक आदमी यहाँ पे दिखाई देगा, आपका आदमी आपके घर पे आएगा और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपका KYC डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कोई eKYC नहीं है, ये सिर्फ KYC दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए चूज़ KYC ऑप्शंस, आपको इंटरनेट के माध्यम से इसको KYC नहीं कर सकते। आपको जो है घर पे पेटीएम का है कोई आदमी आएगा तो वही आपकी इसको अपडेट करके देगा आपके डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आपको 24 आवर्स के अंदर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपकी लिमिट जो है 1 लाख तक इम्प्रूव हो जाएगी। ये देखिए इसके अंदर और एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अगर पेमेंट किसी से लेना है तो आप किस तरह से लेंगे, आपका QR कोड जो है आपको कहीं कहाँ पे मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेड पेमेंट के अंदर देखिए यहाँ पे आपको एक QR कोड मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट निकाल के इसका जो है आप प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने शॉप में लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपको टर्म कंडीशन क्या है इसके अंदर। आपको जो पेमेंट एक्सेप्टेड मतलब आपको अगर पेमेंट किसी से एक्सेप्ट करते हैं तो आपको जो है कुछ भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंक में पैसे अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 2% तक यहाँ पे चार्जेस देना पड़ सकता है। आप इसके अंदर जो है 20,000 तक अमाउंट रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर आप eKYC कर देते हैं तो इसके अंदर देखिए आप इसके अंदर बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए भी कोई भी चार्जेस यहाँ पे आपको देना नहीं होगा। और आप अगर ये अपनी शॉप के लिए करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ऐप्स है। इसके अंदर कि आप डेली पेमेंट रिसीविंग लिमिट 20,000 तक आप जो है डेली लिमिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, मंथली 50,000 तक आप इसकी लिमिट कर सकते हैं। इसकी अगर KYC कर लेंगे तो आपको 1 लाख तक आप इसके अंदर लिमिट बढ़ जाएगी। आप इसके अंदर 50,000 तक जो है अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट डे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैंने इसके अंदर यूज़ करके देखा है, मैंने ये तुरंत ही आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर देता है क्योंकि बैंक अकाउंट में आपको तुरंत ही पैसे मिल जाते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर और क्या ऑप्शन है आपको दिखा देता हूँ मैं। इसको आप बिज़नेस को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपको, मैं बता दूँ इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे मॉल होम, उसके बाद मॉल, यहाँ पे देखिए स्कैन का एक ऑप्शन दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपको कहीं पे भी इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली इसको स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमने जो एक पेमेंट के लिए अप्लाई किया था 10,000 के लिए, तो हमें उसका जो है काम मिला नहीं था कि आपको जो है कहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका जो है क्या हुआ था उसके अंदर पेमेंट आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ या आपके बैंक अकाउंट से कट हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे माई ऑर्डर के अंदर आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, ये इस तरह से आप अपना जो है चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपना इसके अंदर आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, लैंडलाइन, लगभग सभी प्रकार के ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं इसके अंदर। ये भी बहुत अच्छी ऐप्स है। इसके अंदर आप देखिए आपको बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पे दिया हुआ रहता है जो आप कुछ भी इसके अंदर देखिए यहाँ पर इस तरह से आप 1 लाख तक जीत सकते हैं। 100% तक आपको जीतने का मौका मिलता है, वो भी फ्री में। आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी, आप फ्री में इसके अंदर जो है इस कूपन को हासिल कर सकते हैं। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह से कूपन आपको ऐड करना है। तो ये देखिए मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ नंबर्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अमाउंट डाल देता हूँ मैं 10 रुपीज़, उसके बाद प्रोसीड टू रिचार्ज। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए बिल्कुल फ्री कूपन से आप इसको जो है ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए इसके अंदर चांस टू विन LED 14 इंच, मतलब 40 इंच की आप जो LED TV की इसके अंदर फ्री में जीत सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे जो कि पूरी तरह से फ्री होंगे। इसके अंदर कुछ पेड ऑफर्स भी है, अगर आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आप इसको नहीं ले सकते। ये देखिए यहाँ पे 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। देखिए यार ये देखिए 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, अगर आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको मत लीजिए। आप पेटीएम के साथ साथ बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप देखिए अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करना है ऑनलाइन तो आप इसकी शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। लगभग सभी वेबसाइट पे पेटीएम का जो पेमेंट है एक्सेप्ट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मैंने अपना वीडियो पूरा इसके अंदर लगभग सभी कंटेंट में यहाँ पे बताने की आपको कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।